चलिए सीखते हैं सुंदर सा प्यारा ब्राइडल मेकअप विथ फुल प्रोडक्ट नॉलेज। इनकी स्किन ड्राई है तो मैंने इनके फेस को मैं पहले से क्लीन करके इमोलिनी का बेस दे दिया था, जिससे कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मैं आँख पे टार्ट का बेस यूज़ कर रही हूँ। आईज़ मुझे थोड़ी सी ग्लिटरी और डार्क रखनी थी, तो आपको आईज़ पे हमेशा हैवी बेस यूज़ करना चाहिए। आपको हमेशा अपने माइंड में सेटअप रहना चाहिए कि आपको कौन से कलर्स यूज़ करने हैं। अगर आपको बहुत लाइट कलर यूज़ करते हैं तो आपको टार्ट की जगह कुछ और भी आप आई बेस में यूज़ कर सकते हो, बट इस आईज़ मेकअप के लिए ये बेस परफेक्ट था। तो आप देख सकते हो लाइट ब्राउन से शुरू किया है। इस मेकअप के लिए मैंने हुडा ब्यूटी की नॉटी पैलेट यूज़ की है। सारे कलर्स उसी से हैं, शिमर से लेके डार्क ब्राउन से लेके लाइटर ब्राउन तक। लाइट ब्राउन किया है, हेलो आइज़ क्रिएट कर रही हूँ, तो धीरे धीरे आपको कलर की इंटेंसिटी बढ़ानी है। एकदम से कभी कोई कलर पिकअप नहीं किया जाता है, कलर की इंटेंसिटी हमेशा धीरे धीरे बिल्ड करनी होती है। एकदम से करने पे आईज़ पैची लग सकती है, ब्लेंड नहीं लग सकती। आप देख रहे हो, आपको बस ब्राउन से ही प्ले करना है। लाइटर टू डार्कर मैं गई हूँ। आप देखिए धीरे धीरे धीरे, आपकी चॉइस है आप इतना डार्क रखना चाहते हो या फिर आप इससे भी लाइटर रखना चाहते हो। बस हेलो आईज़ क्रिएट करने में आपको हमेशा सी शेप में आईज़ कि जो आई शेडो की ब्लेंडिंग है वो रखना है, और मिडिल पार्ट को हमेशा आपको खाली रखना है। आप चाहे तो कंसीलर से कट कर सकते हैं। कंसीलर के से कट करने से जो मिडिल का पार्ट होता है वो थोड़ा और शार्प दिखता है, और आप चाहे तो डायरेक्ट शिमर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए इसे भी मैं राउंड सी शेप में करूँगी, और इसके बाद इसके जो कॉर्नर एजेस हैं इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, ताकि वो दिखे ना कि आपने कहीं से भी कंसीलर से कट किया है। आई मेकअप का ट्रिक ही यही होता है कि आई मेकअप में बिल्कुल पता ना चले आपने क्या यूज़ किया है, कब कौन सा कलर पिक किया है। ये शिमर है, ये सेम हुडा ब्यूटी की पैलेट से था। इसे पहले मैंने फिंगर से यूज़ किया, क्योंकि शिमर फिंगर से सबसे बेस्ट प्लेस होते हैं। उसके बाद मैंने ग्लिटर प्लेस कर रही हूँ, ये लिट कॉस्मेटिक का ग्लिटर है, और बस मिडिल पार्ट में ही यूज़ करना है, क्योंकि ये हेलो आइज़ है तो सारा फोकस आइज़ की मिडिल पार्ट में ही रहता है। और हेलो आइज़ किसी पे भी जाता है, हुडेड आइज़ हो, आइज़ बहुत छोटी हो बड़ी हो, सब पे हेलो आइज़ परफेक्ट लगता है। ये मैंने कलर बार का आईलाइनर यूज़ किया है। आप चाहे तो ब्लेंड आईलाइनर कर सकते हो, बट मुझे इस आई मेकअप के लिए प्रॉपर आईलाइनर चाहिए था। ये मेबलिन का स्काई मस्कारा है, ये भी बहुत अच्छी डेंस देता है आईलैशेस पे। ये ब्यूटीलिशियस की आईलैशेस, मैं इसका नंबर भूल गई हूँ। अब आप अच्छे से फेस को क्लियर करोगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि एक से दो बार मैं ज़रूर से ज़रूर अपनी स्किन में मॉइस्चराइज़र लगाऊँ। रिको ये फेसेस कनाडा का मैंने काजल पेंसिल यूज़ की थी। ये मैंने अगेन इमोलिनी यूज़ की है, क्योंकि आप जब फेस क्लीन करते हो तो ही आपको पता चल जाता है कि फेस में ड्राइनेस अभी भी है। तो आप देखो मैंने कितने अच्छे अमाउंट से यूज़ किया, और मैं अच्छे से कम 2-3 मिनट्स लगे थे मुझे इसको ब्लेंड करने में। फिर एले प्रोगल का ऑरेंज करेक्टर, क्योंकि इनके फेस में करेक्शन की नीड बहुत ज़्यादा थी। इवन कैमरे में कम दिख रही हो बट इन फ्रंट ज़्यादा थी, इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। एले प्रोगल कंसीलर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसको एक डार्कर शेड के कंसीलर से हाइड किया है, ये टू फेस्ड का था। ऑरेंज करेक्टर अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो आपको ये दो स्टेप करना मैंडेट है, अदरवाइज ऑरेंज करेक्टर का रिफ्लेक्शन जो है वो आपके फाउंडेशन में दिखने लगता है। ये मैंने नार्स का शेड यूज़ किया था, शेड था पंजाब, सॉरी नार्स का फाउंडेशन शेड पंजाब। फाउंडेशन की लेयरिंग मैंने बहुत थिन रखी थी, जितनी बस कवर कर सके आप उतनी रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको थिक लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये एक रिवर्स टेक्निक है, इसमें कॉन्टोर की भी नीड नहीं होती है। ये मैंने फॉरएवर 52 का लिक्विड ब्लश यूज़ किया है। ये डार्क होने की वजह से ये कॉन्टोर और ब्लश दोनों का वर्क कर देता है, इसे बस आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। ये मैंने टू फेस्ड का कंसीलर यूज़ किया है, जिसका शेड है वनीला। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मैं टार्ट या फिर कोई भी जो बहुत ड्राई करता है उसे आईज़ के नीचे यूज़ करना इतना प्रेफरेबल नहीं समझती हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आईज़ में पैचिनेस लाइंस क्रिएट करता ही करता है। तो टू फेस के कंसीलर्स मुझे बेस्ट लगते हैं,
क्योंकि बहुत ड्राई नहीं करते हैं और फेस पे एक ग्लॉसी सा फिनिश आता है। और हाँ, जब तक हाथ ना दर्द हो जाए ना, तब तक इसे ब्लेंड करते ही जाना है, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। मेकअप का अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। इसके बाद मैंने लॉरा मर्सियर का टीएल यूज़ किया है। पहले मैं एक बार पूरे फेस को अच्छे से पाउडर से बेक कर देती हूँ, देन मैं अंडर आइज पे नीचे थोड़ा सा पाउडर लेफ्ट करती हूँ। ये मेरी टेक्निक है, आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। आईब्रो के लिए मैंने यूज़ किया है एनेस्थेसिया का ब्रो प्रोमेड। इसके नीचे अंडर आइज पे मैंने थोड़ा सा पाउडर लेफ्ट किया है। ये क्रायलॉन का TL4 है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी रहती है और अंडर आइज के लिए मुझे ये बहुत परफेक्ट पाउडर लगता है। और अंडर आइज पे हमेशा आप कलर्स को प्लेस कीजिएगा जो आपने अपर आइज पे यूज़ किए, अदरवाइज़ आपको भले सामने से अच्छे लगे बट पिक्स में उतने अच्छे नहीं लगते, कैची नहीं लगते मुझे लगता है, और कुछ इनकम्प्लीट सा लुक देती है आइज़। ये मेबलिन का मस्कारा, तो आप अंडर आइज को हमेशा आप एक लाइन ज़रूर दें। ये आई मैजिक की ब्लश पैलेट है। आपको क्रीम ब्लश के ऊपर पाउडर ब्लश करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैक का हाइलाइटर है, शेड है ओ डार्लिंग। बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटल हाइलाइटर है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत चंकी ग्लिटर्स नहीं है और इफ़ेक्ट भी बहुत सॉफ्ट देता है। इसके बाद ये अर्बन डीके का स्टोन हाइलाइटर, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बस हल्का सा टिंट देती हूँ आईज पे भी, ये बहुत अच्छा पॉपअप देता है। बिंदी से एक लुक कंप्लीट हो जाता है ना। अब आप देख रहे हो मैंने मार्स की लिप पेंसिल यूज़ की। ये लिप पेंसिल मुझे फ्री मिली थी और तब से ये मेरी फेवरेट हो चुकी है, और ये इतनी अच्छी है ना, ऐसा होता है कि ये चलना रुकती है ना, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस लिप पेंसिल में। और ये एक सीक्रेट लिप पैलेट है, इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा लिप पैलेट। ये रिकोट का शेड है मंडे। और आप देख सकते हो कोई भी फिल्टर के बिना ये मेकअप है, कितना प्यारा कितना सुंदर लुक आया हुआ है। ये लास्ट में सेटिंग स्प्रे है, इसके लिए भी आपको कमेंट करना पड़ेगा सेटिंग स्प्रे। और आप देख सकते हो हम लोग की ब्राइड तैयार है, बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा लुक आया था। इसके बाद मैंने हेयर से फाउंडेशन वगैरह क्लीन किया और ये है फाइनल लुक। होप यू लाइक इट। अगर आपको ये ट्यूटोरियल